हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आप दो प्लेट लाए हो रात की दुनिया में। ओम साई राम। मेरा लड्डू बीमार पड़ गया है और जब ये बीमार पड़ता है फिर इसको मम्मा चाहिए होती है, उसको बहन चाहिए होती है, और ये अपनी दुनिया में लीन है। उसको छोले भटूरे इस बार पहली बार है ना, अभी तक नहीं खाया ना आनंद के। खाए थे अभी? हाँ आते खाए थे। इसको ठंड लग रही है, मन कर दो स्वेटर पहन ले। देख लो ये भी एक दूसरे एक है भाई बहन का। दे दे अपने हम डाल ले। तुम्हें पंखा 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 गिर जाएंगे। ये हमारी जीन में है, हम बीमार होते हैं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। नहीं प्याज नहीं चाहिए, अभी मत कर। खा लो टिश्यू ले ले, सारा टपका रहा है, आता है नहीं खाना वाना तुझे। तैयार हो गई है, आप अटैची देख के समझ ही रहे हो कि आज लाडो वीकेंड हो रहा है। लाके लाडो अपने घर जा रही है, एक घर से दूसरे घर जा रही है। बेटा टिश्यू ले लो ना, हमारे घर में टिश्यू होते हैं, आपको बात पता है ना। हैंड टॉवल भी तो होते होंगे छोटे वाले ऐसे। वो आपके त्रिनगर का हिसाब है ना। अच्छा लो बेटा टिश्यू लो। तो ये आदत इसने वहाँ पर सीखी है, बट हम तो टिश्यू यूज करते हैं। ये हर्षित ने सिखाई है। हाँ सही बात है, पर यहाँ का तो वो कभी नहीं मांगता टॉवल बेचारा। तो इसका मन था, आई नो गाइस, आप बोलोगे कि ये बीमार है बीमार है, और आप इसे छोले भटूरे, बट उसका देखो मुझे गुस्सा कर रहा है। उसका मन कर रहा था कुछ ऐसा खाने का, एंटीबायोटिक चल रहा था, मेरे को लगा कोई बात नहीं, और छोले भटूरे तो वो खा भी पिया रहा। ये सुबह भी खा के आ रहे हैं ना, अभी भी छोले भटूरे खाने हैं। वो दो प्लेट लेके आए हैं। संडे इज अ फुल डे, जो मर्जी खाओ, आई डोंट केयर अबाउट वेट। वो लेके भी दो प्लेट आए हैं। तो गाइस आज बहुत डिवाइन डे था, रियली ब्लेस्ड। अगर आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा, हम कालका जी मंदिर गए थे भाई, हल्ला कम। मैं कह रही हूँ इतने अच्छे दर्शन हुए हैं, तो थैंक यू जिगेश भैया एंड विनीता। छोले खट्टे हैं आज, इसका मुंह टेस्ट बड खराब हो रहा है। तो बहुत ही कालका मैया के अच्छे दर्शन हुए, और उसके बाद इनफैक्ट अगर आपने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा जाके देखे, तो आकर हम सबने घर पे चाय पी, जो मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मैं जब आई तो इसे बहुत हाई फीवर था, तो बस मैंने फटाफट चाय बनाई, हम सब ने चाय पी, इसने चाय पी और दवाई ली उसके बाद, तो फिर हम सो गए, जो मैंने सोचा था मैं नहीं करूँगी। तो अब हमारा दिन शुरू हुआ है, मैं तो ज़्यादा देर नहीं सोई, बट क्योंकि मुझे पता था मुझे लाडो की पैकिंग करनी है। ये साइड बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हैं आप लोग? तो बस अब दिन शुरू हो चुके ना, तो हम सुबह ही चुके थे आज, 3:30-2:30 बजे ही हम नहा लिए थे। तो आपको समझ आएगी अगर आप मेरा कल का ब्लॉग देखेंगे, तभी आप आज के ब्लॉग से थोड़ा सा मेरी इन बातों से कनेक्ट कर पाएंगे। तो से स्पीडी रिकवरी टू कभी, गेट वेल सून। हाथ हटाओ मिर्चियों से, इसलिए नहीं निकल रही है। अच्छा कबू एंड खुश भी होती हूँ कभी का होती हूँ, और थोड़ा सा दिल भी वो होता है जब लाडो जा रही है, तो मिक्स फीलिंग्स होती हैं, आपने हमेशा देखा है मेरे व्लॉग में, तो ये मिक्स फीलिंग होती है। तो खुश होती हूँ कि बेटा घर से आप अपने दूसरे घर जा रहे हो, है ना, और एक फीलिंग होती है कि क्यों। तो चलिए आज पूरा दिन बने रहिए हमारे साथ, मिलती हूँ। इज रेडी हैं, प्रोग्राम पहले का ही बना हुआ था, आज एक्चुअली जाना हमने और जल्दी था, बट कबीर के चक्कर में मैंने बोला लाडो बस को छोड़कर आ जाते हैं, ऐसा नहीं था कि हर्षित नहीं आ सकता था, बट मामा बेर बहुत दिनों से बुला रही थी तो इसीलिए। सॉरी बेटा, हम रेडी हैं, क्या भी इस बुखार में है, बस हम आना जाना करेंगे। इज नॉट कीपिंग वेल, आप देख पापा चले गए ना बिना आउटफिट चेक दिए, तो आउटफिट चेक देते हैं, बने रहिए। आउटफिट चेक, लाडो गला दिखा, गला सुंदर है इसका, लाइक दैट वेरी प्रिटी सूट, मेरे मास्टर जी ने सिला है, जो लाडो ने हाथ ही दे दिया था सिलने के लिए। ट्रू दैट एंड आई लाइक द दुपट्टा ऑल्सो, इसके साथ आप कुछ और भी सिलवा सकते हो। यस लटो। तो मैंने पहना है, इट्स लाइक इंडो वेस्टर्न,
तो जी हाँ, कंफर्टेबल सूदिंग, देयर इज नो दुपट्टा बिकॉज इज इंडो वेस्टर्न, तो ये ऐसे ही है। कहाँ से लिया वंश हमने ये सूट, ड्रेस मीन्स, क्योंकि इसके संग दुपट्टा नहीं था। डब्ल्यू से लिया मैंने गाइस, ये तो लाडो आई हुई थी मैंने, तभी उसके साथ ये शॉपिंग की है। तो बहुत कंफर्टेबल लगा मुझे, और थोड़ा डिफरेंट लगा कि ये ऐसे इसके साइड में कट्स नहीं है। मुझे लगता है मैं इसको ड्रेस के जैसे भी पहन सकती हूँ। तो हाँ, रेडी, हम निकल चुके हैं लाडो को ड्रॉप करने के लिए। नहीं है। एंड कबीर ने तो मेडिसिन लिया, वो स्लीप करेगा। और किसी ने आउटफिट चेक नहीं दिया, और आप कह रहे हैं आप दे दे, वीडियो बना लो पूरा। ये कबीर मनीष के कपड़े आए हैं वेस्ट साइड से, बहुत स्मार्ट फिट आए हैं। ये वाइट पजामास बहुत मजेदार आए हैं। अब कर दो आप। तो सूदिंग शर्ट्स हैं, और शूज भी न्यू लाइक पहनने वाला भी सूदिंग होना चाहिए ना। हां, लुक हूज टॉकिंग। आजकल ये मेरे व्लॉग में आना नहीं मांगते, मैं देख रही हूँ। आउटफिट चेक दिए बिना ही निकल गए। और लाडो हैप्पी टू गो, यस। हाँ, शी मिस बेला। जब जब इसका ये होता है ना वापसी, बेला नहीं होता, नो बेला। वापसी के टाइम पे इसको बेला मिस होती है। हाँ, तो यू नो मिस हर्षित, उसे तो मिले थे ना पीछे। तो बस अब सवारी निकल पड़ी है, चलिए आपको मिलाएंगे मम्मा वे से। ठीक है, बने रहिए। हाँ गाइस, घर आ गए हैं, चेंज कर लिया है। कुडन ब्लॉग देर क्योंकि थोड़ी देर के लिए गए थे, तो गॉसिप में टाइम का पता नहीं चला और ध्यान में भी नहीं रहा। एंड घर घुसती हूँ तो बस ऐसा होता, एक मिनट को तो लगता है, फिर बैक टू नॉर्म हो जाता है। क्योंकि लाडो के जाते घर खाली खाली लगने लगता है, बेटियों की रौनक होती है, नो डाउट। हाउ आर यू फीलिंग कबू? कौन सा शो देख रहे हो, बताना चाहोगे ऑडियंस को? मम्मा को बता दो। यू रेकमेंड दिस शो टू ऑडियंस? नाइट मैनेजर देख रहा गाइस ये, एंड ही रेकमेंड कि आप लोग देख सकते हैं। हम तो मल्ला तो मैंने आपको बताया था, मलाइका, तो नाइट मैनेजर भी आप देख सकते हैं। मैंने और मनीष ने भी नहीं देखा, बट हम दोनों इकट्ठे कैचअप करेंगे। तो लाडो गई घर। घर खाली खाली लग रहा गाइस। सेंटी हो गई मम्मा, खूब मजे से चीटिंग की लाडो के घर। पानी पूरी, दही भल्ले, और कौन से वो थे मान, मूंग दाल के लड्डू, ओ गॉड, चाय। एंड अभी मम्मा बेर कह रही थी डिनर करके जाओ, आई सेड ये डिनर मेरा 2 दिन का हो गया है। डिनर इज लाइक और भाभी ने मूंग दाल के बड़े घर में बना रखे थे, दही भल्ले भी घर में बना रखे थे, और ये गोलगप्पा वॉज फ्रॉम आउट। सब कुछ बहुत यम्मी और टेस्टी था, मज़ा आया, वी हैड फन। कबीर की वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम वो हो गया, नहीं तो थोड़ी देर और बैठते हम, शायद हम दोपहर में ही चले जाते, हम शाम तक आते शायद, नहीं बट यही प्लान था। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कबीर बीमार पड़ता है तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ, क्योंकि इसकी आंखें ऐसे लग रही है जैसे बहुत बीमार है, आंखें चढ़ी पड़ी हैं इसकी। एंड इसको मुझे पता है सिर्फ हमारे डॉक्टर जो उनकी दवाई लगेगी, एंड संडे डॉक्टर खुले नहीं होते, तो हम सिर्फ केमिस्ट से दवाई ला कर दिए। सैटरडे भी अगर ये मुझे टाइम से बताता, क्योंकि वो सिर्फ 4:00 तक बैठते हैं, ही टोल्ड मी वेरी लेट। अब मैं जस्ट रात इसकी वो दवाई दे के निकालने की, सुबह अर्ली मॉर्निंग लाइक 10:30 या 10:00 डॉक्टर खुलते हैं। मैं और ये चाहेंगे और इसको डॉक्टर को दिखा लाएंगे। कल तो इसकी छुट्टी है, तो एटलीस्ट रेस्ट मिलेगा। तो लाडो गई अपने घर, मैं पी रही हूँ बस अब ग्रीन टी, क्योंकि खूब चीटिंग किया सुबह से। एंड मनीष जी और कबीर जी खाने लगे हैं, कबीर जी आई डोंट नो व्हाट दे विल हैव, क्योंकि मनीष भी पैक्ड अप हैं, ही हैड लॉट। कबीर के लिए मम्मा बहन ने सब्जी भेजी है, तो इसको जब भी भूख लगेगी आई विल मेक फॉर हिम चपाती, क्योंकि हमारे यहाँ मंजू सिल्वी दोनों छुट्टी पे थी। तो बट इतना नहीं लगा, क्योंकि आज सारा दिन ही भगदड़ में निकल गया, बट
कल घर को बहुत हाथ लगाने की जरूरत है. लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम, आज पहली बार है कि मैं घर को ऐसे मैसी में छोड़ के, क्योंकि कब हो बिहेव बेटा, जल्दी से बाहर. ऐसा मैसी घर रहा है, मैसी मतलब आप समझ सकते हो मेरा मैसी. वो अगर कोई बाहर वाला आके कहेगा तो वो पूछेगा ये मैसी है, ये तो बिल्कुल सेट है, बट फॉर मी मेरे आंखों को ये मैसी लग रहा है. नेवर माइंड, कभी कभी ऐसा हो जाता है. कल सुबह उठ के मैं पूरा घर सेट करने वाली हूँ ढंग से. तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ. रैट्स की दुनिया पसंद आ रही है, रैट्स सब इंस्टाग्राम पर भी है, तो जाइए रैट्स को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए. और अगर रैट्स की दुनिया यूट्यूब में आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रैट्स की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. हिट द बेल आइकन सो विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई शेयर द न्यू वीडियो. और अच्छे अच्छे कॉमेंट कीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, गर्मी आ गई है गाइस. और सदा मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. ओम साई राम. गुड नाइट.